नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज की डोमिनार के बारे में। एक बाइक है तो 2019 में बजाज अपनी नई डोमिनार लॉन्च करने वाली हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज की बाइक के बारे में आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डोमिनार की, तो बजाज सबसे पहले इस साल में बजाज डोमिनार को ही लॉन्च करने वाली है। उसकी नई जो वर्सन आने वाली है, तो बजाज ट्राई कर रहे हैं कि मार्च तक इसकी नई जो जनरेशन है उसे ये लॉन्च कर दे। इसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग लगभग सेम ही रहेगी, 1,90,000 तक आपको ये बाइक आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें, तो इसकी जो एग्जॉस्ट की डिज़ाइनिंग है उसे थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, ताकि ये देखने में और अच्छी खासी लगे। और इसकी इंजन जो है वो उसे नई इंजन लाया जाएगा VS6 के नॉर्म्स के साथ। अगर आप इसकी बाकी चेंजेस की बात करें, तो इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ी चेंजेस की जा सकती हैं। उसमें नए कुछ जो फीचर्स हैं, नए जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें नए नए इन्फॉर्मेशन लाने की संभावना है। जैसे कि साइड स्टैंड की, अगर आपकी साइड स्टैंड ऑन है तो उसकी ऑन होने की जो सिग्नल आपको मिलती है, तो वहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं की जाएंगी। लेकिन इसकी जो करंट जनरेशन में इसकी सस्पेंशन आती है, उसे चेंज करके एक नई सस्पेंशन बजाज डोमिना में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आप इसकी व्हील्स की बात करें, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाएगी। पहले की तरह ही आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारे चैनल में ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट्स, हर न्यूज़ अपलोड करते रहते हैं, और छोटे मोटे टिप्स के वीडियो भी हम हमारे चैनल पर अपलोड करके करते रहते हैं। आपका यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।